गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल भावना सारस्वत। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। गाइज हमने पिछली वीडियो में देखा था, हम बठिंडा से मथुरा तक आए थे और मथुरा से निकल लिए थे। अब हम मथुरा से इलाहाबाद निकल रहे हैं। इलाहाबाद मेरे इन लॉज रहते हैं, मेरा ससुराल है, तो आप मेरी इस वीडियो में वो जर्नी देखेंगे एंड आप आगे देखेंगे कि मैं किस तरीके से अपने ससुराल में रहती हूँ, वहाँ मेरे साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। तो गाइज़ प्लीज़ आप वीडियो पर बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। गाइज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और गाइज प्लीज़ मेरी वॉइस को इग्नोर करना, मुझे बहुत तेज़ जुकाम हो रहा था। गाइज मैंने इस वीडियो में बहुत फ़न किया है, आपको शायद अच्छा लगेगा, आई होप आपको अच्छा लगे। तो गाइज़ उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज जब हम मथुरा से निकल रहे थे तब सुबह के 5:30 बज रहे थे, काफ़ी अंधेरा था और लॉकडाउन था उस टाइम। 13 तारीख तक मथुरा यूपी में लॉकडाउन था। तो सुबह सुबह 6 बजे देखिए सब्जी भी बिक रही थी और मैं बकवास किए जा रही थी, वो मैंने वॉइस ओवर कर दे रही हूँ, लेकिन अब इस छोटी छोटी प्यारी प्यारी शिमला मिर्ची थी, दूध वूध सब कुछ सुबह सुबह बहुत जल्दी मिल रहा था। ये अंधेरा है, आपको बहुत कम कम नज़र आ रहा होगा बट फिर भी मैंने रिकॉर्ड किया है, अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें। ये देखिए मथुरा की गाय, देखिए मथुरा में छोटी छोटी गलियां हैं, गाय भैंस वहाँ बहुत घूमती रहती हैं, बहुत नॉर्मल है। जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ रहे थे थोड़ा थोड़ा उजाला भी होता जा रहा था। और ये मथुरा में जगह है बाड़पुरा, ये पुराने टाइम के मकान बने हुए हैं, बहुत पुराने समय के। और मथुरा ये सदर बाज़ार बाड़पुरा, जो लोग मथुरा से होंगे वो इस जगह को बिल्कुल पहचान रहे होंगे। और ये एक चर्च है, इसके पीछे एक स्कूल है जहाँ पे मैंने अपनी नर्सरी LKG UKG की पढ़ाई की है, तो यहाँ पर वही स्कूल है। और यहाँ से हम राया वाले रोड पर निकलेंगे और वहाँ से हम चलेंगे एक्सप्रेस वे की तरफ, नोएडा एक्सप्रेस वे की तरफ, और उसी से हम इलाहाबाद के लिए निकलेंगे। तो ये आप देखिए बीच में पुलिस ने अपना वायर्स लगा रखा। गाइस ये जैसे जैसे उजाला हो रहा था हम आगे बढ़ते जा रहे थे और थोड़ा सा ये फ़ोन मेरे से अनिलेश ने ले लिया और अभी आपको थोड़ी सी उनकी आवाज़ भी सुनाई देगी। सुबह के 5:30 और हम अब निकल गए हैं अपने मंजिल की तरफ। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे मॉर्निंग अंग्रेजी चैनल, आई एम डन विद मथुरा एंड आई एम लीविंग फ्रॉम मथुरा राइट नाउ एंड मी माय ब्रदर एंड माय वाइफ। तो गाइज हम इस तरीके से जा रहे थे, आपने थोड़ी सी अनिलेश की ब्लॉगिंग भी देखी, उनकी आवाज़ अभी आपने सुनी। हम जा रहे थे, चारों तरफ पूरा हरा भरा था, बहुत ही बढ़िया लग रहा था क्योंकि इतने दिन से हम बंद थे और सुबह सुबह का सुहाना मौसम देखने को मिल रहा था। वैसे तो मैं 9 बजे से पहले जगती नहीं हूँ, देखने को नहीं मिलता है और लॉकडाउन था, फिर भी लोग सड़कों पर नज़र आ रहे थे, प्रॉपरली लॉकडाउन फॉलो नहीं हो रहा था, हमारी मजबूरी थी इसलिए हम आ रहे थे। ये साथ में रेलवे ट्रैक है जो चल रहा है, ये गार्गी के चाचू हैं। बस हम निकले जा रहे थे अपने मंजिल की तरफ, बहुत काफ़ी हमें अच्छा लग रहा था और देखते हैं हम आगे। आप देखिए गाइस ये देखिए मथुरा नगरी और ये सामने से ट्रक जा रहा है, वाह हरियाली हरियाली हरियाली, इतने दिन से तो हम अंदर बंद थे। गाड़ी हमारे इतने हल्ले में भी नहीं जग रही है अब। अनुष अभी कह पा रही है वीडियो में, हाय गाइस, ये गाड़ी का हाय देख लो बस, गाड़ी सो रही है, गाड़ी बाकी कुछ नहीं दिखा सकती। ये देखो ये इसको कवर करो, इस बोर्ड को, बोर्ड को यार बोर्ड कवर करना चाहिए था ना। ये रोड जा रहा है राया इगलास हाथरस अलीगढ़ और ये हम आ गए गलत और अब हम वापस जाएंगे। गाइस ये देखिए बोर्ड्स पर लिखा हुआ है आपके पुनः आगमन की प्रतीक्षा है ब्रज तीर्थ विकास परिषद। गाइस हम ऐसे जा रहे थे, रास्ते में हमको रिक्शे सब मिल रहा था, ये एक अंग्रेजी शराब की दुकान थी यहाँ कॉर्नर में, बोल रही थी इसको भी कवर कर लेते हैं। और ये देखिए सामने बोर्ड दिख रहा है ये जो दिल्ली आगरा हाथरस सबके लिए इसमें निशान बने हुए हैं। तो गाइस हम जा रहे थे, हमको यहीं टर्न लेना था लेकिन हम यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, देखिए ना गाड़ी की स्पीड भी यहाँ कम है, रुक के हम लोग डिस्कस करने लगे थे यहाँ और मैं मथुरा की हूँ खुद, लेकिन मैं इतना घूमती नहीं थी, मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई करती थी, स्कूल जाती थी कॉलेज जाती पर ये सब नहीं घूमती, तो मैं रास्ते में कन्फ्यूज़ हो गई और हम ना थोड़ा आगे चले गए और वहाँ से फिर हमको वापस आना पड़ा था। और यहाँ से हम चल रहे हैं एक्सप्रेस वे के ऊपर,
ये हम यमुना एक्सप्रेस वे पर चढ़ दिए हैं और देखिए कितना अच्छे से बना हुआ है। इस पर ट्रैवल करना काफ़ी ईजी है और ये रूट काफ़ी फास्ट है, दोनों तरफ हरियाली है। गाइस कोरोना का टाइम है, मतलब कुछ भी सेफ नहीं है, तो हम वॉशरूम भी कहीं नहीं जा रहे थे, बस हम खुले में ही वॉशरूम जा रहे थे। जहाँ कहीं हम थोड़ा पेड़ झाड़ी दिख रही थी बीच में, हमने वहीं वॉशरूम के लिए मतलब जा रहे थे, हमने कहीं भी नहीं आया, हम अवॉइड करते रास्ते से, हमने कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं लिया था। और आप देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है, और देखिए ये दो लोग घूम रहे हैं यहाँ पर ना, अभी आपको ना कौए दिखेंगे, कौए उड़ रहे थे, मैंने कौए भी रिकॉर्ड में कर लिए, ये दिखाऊंगी मैं अभी। देखो एक कौए, देखो एक कौए आ गए। तो इस तरीके से हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। ये हाईवे काफ़ी एक्सप्रेस वे काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, जेपी ग्रुप ने बनाया था, इतना बढ़िया है, यहाँ पर ट्रैवलिंग ईजी है। अभी तो कोई लॉकडाउन था तो कोई गाड़ी, ये देखिए गाइस हमको अगला दिन हो गया है मथुरा हॉल्ट लेके, अब हम पहुंच गए हैं इलाहाबाद। गाइस इलाहाबाद पहुंच गए थे और मैं अपने रूम में थी, आपने देखे ना मैं टी शर्ट से सूट में आ गई। और गाइस मैं ना बोल रही हूँ, आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैंने देखा मेरी आवाज़ बहुत धीरे थी क्योंकि बहुत टाइम बाद पहुंची थी, बड़ा अजीब लग रहा था, तो मैं बहुत धीरे बोल रही थी, बाद में से मैंने वॉइस ओवर किया। ये मेरा रूम है, ये सामने अलमीरा है, ये देखिए हमने अपना बैग रखा हुआ है, सामने एसी है, बेड, ये ड्रेसिंग, और ये गार्गी के आते ही खिलौने निकल गए। तो बस इस तरीके से हम मैं पहुंच गई थी। पूरा रूम आपको एक बार अच्छे से फिर से दिखा देती हूँ, अलमीरा, देन बेड, ये एसी बेड लगा हुआ है और ये ड्रेसिंग का ही है मेरे रूम में बस। और फिर ये देखिए ये लोग मस्ती कर रहे थे, ये गार्गी की दादी हैं, ये गार्गी के दूसरे चाचू हैं, और जो चाचू साथ में आए थे वो वहाँ लेटे हुए हैं और वो गार्गी के पापा लेट गए हैं। ये बात हो रही थी कि वो चाचू मुझे मर देखे, ये पूरा मेरे और मुझे बी बोलते हैं, भाभी नहीं बोलते, ये बोल रहे थे कि ये यूट्यूब पर डाल देंगी। ये सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, आपस में बात कर रहे थे हमारे रूम में, और ये मम्मी है, ये अरुणेश गार्गी को लेके खिला रहे हैं थोड़ा, और ये बच्चे हैं, तो बस हंस रहे थे। इतने दिन बाद सब लोग मिले हैं, काफ़ी खुश थे, इतने दिन बाद दादी भी यूट्यूब पर आ रही हैं। बात हो रही थी कि क्या होने वाला, मैं कह रही थी सबको मैं ऐसे ही डालूंगी यूट्यूब पर। माल रे सारी चाचू के साथ लेता हूं, ये विषम कर दे, चाचू के साथ लेता हूं, ये विषम चाचू के साथ नहीं रोए रोए काम कर ले, तो हम ले अपनी ओब्ले कलर में, ये कपड़े फोल्ड करके लेके आई थी, देख रहा हूं उसमें ही होगी, तो ये यूट्यूब कपड़े ले आ, तो के लिए हम चुप चुप हम दिया अभी तक तो क्या कहते हैं, ये देखिए गार्गी और ये देखिए, ये देखिए गार्गी कैसे फोन देखती है, इसको फोन चाहिए, ये पापा फोन चाहिए इसको, फोन दे दो। ये रात के 12 बजे ये काम कर रही है, 12 बजे भाई, पापा ने वीडियो इस टाइम चला रखी है, बताओ बताओ रात के 12 बजे फोन करता है ऐसे, ऐसे फोन चाहिए, इधर तो कैसे पकड़, तू गाइस मैं इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ ये गार्गी की मस्ती के साथ, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का देखेंगे। मैं आपको अपने ससुराल की पूरी लाइफ, जितने भी दिन यहाँ रहूँगी उसके पूरे ब्लॉग्स बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ आपको अगर ये पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उसमें कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और ये देखिए दादी भी पीछे से बोल रही हैं सब्सक्राइब करें, ठीक है आप तो पक्का से कर लेना, प्लीज़ प्लीज़। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।